चंदा मांगने के बहाने आए, पहले पानी मांगा फिर चंदा, फिर युवती को कर दिया हिप्नोटाइज। जयपुर से सनसनीखेज मामला, कहीं आप भी तो नहीं करते गलती, देखें वीडियो और रहें सावधान। नमस्कार दोस्तों, जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। यह मामला है हिप्नोटाइज कर लूटने का। जी हाँ, सनसनीखेज मामले से पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और महेशनगर थाना पुलिस ने स्वेज फार्म स्थित एक फ्लैट में युवती को सम्मोहित कर सोने के जेवर ले जाने वाले दो आरोपियों को बापर्दा करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और सोने की चैन बरामद कर ली है। डीसीपी दिगंत आनंद ने बताया कि जसवीर उर्फ सोनू और डिम्पल सिंह निवासी बड़ोदिया बस्ती बनीपार को गिरफ्तार कर लिया है। जसवीर उर्फ सोनू इस पर सदर थाने में लूट के दो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि स्वेज फार्म निवासी श्रीवत्सन ने महेशनगर थाने में 24 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि लगभग दोपहर करीब 12 बजे उनकी बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान दो युवक लंगर के नाम पर चंदा लेने आए और उसे बातों में लगाकर हिप्नोटाइज कर सोने की चैन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक कर मुखबिर की सूचना पर बड़ोदिया बस्ती में छापा मारा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने कहा कि जो बदमाश आए उन्होंने बताया कि उसके पिता और दादा की तबीयत खराब है, तब बेटी ने कहा कि हाँ दोनों की तबीयत खराब है। इसके बाद बदमाशों ने पीने के लिए पानी मांगा, जिस पर बेटी के वो जो अंदर गई बेटी और पानी का गिलास लेकर आई। इसके बाद बदमाश पानी पीने और गिलास अंदर रखने के बहाने घर में घुसे। इस दौरान बदमाशों ने लड़की से कहा कि तुम्हारे पास सोने की चैन है, जिस पर लड़की ने कहा कि चैन तो है लेकिन वो तिजोरी में रखी है। फिर बदमाशों ने लड़की से चैन मांगी तो बेटी चैन लेकर आ गई। इसके बाद बदमाशों ने कहा कि अंगूठी भी है तुम्हारे पास, जिस पर लड़की तिजोरी से अंगूठी भी लेकर आ गई। उसके बाद बदमाशों ने लड़की को कुर्सी पर बैठा दिया और फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद कर रफू चक्कर हो गए। करीब 30 मिनट बाद लड़की को होश आया तो बेटी ने पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद युवती की सूचना पर उसके पिता भी मौके पर पहुंचे, मामला दर्ज करवाया गया और अब बदमाश पकड़े भी गए हैं। लेकिन ऐसी वारदात आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, जब भी कुछ गलत लगे तुरंत पुलिस को सूचित करें। नमस्कार।